आपको याद है मैंने बताया था जो खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये भी दुआ है। अकेला अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो समझ ले दुआ पूरी पढ़ ले। जो खाने के बाद दुआ पढ़ ले और फिर सिर्फ तीन बार सूरत कुरैश पढ़े, मुझे यहां ये चौक में एक साहब मिले, मेरे ये सामने मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी, बड़ी पुरानी बात, 4-5 साल पहली बात, मुझसे कहने लगे इस अमल से मेरा 25 किलो वजन कम हुआ है, मैं इतना मोटा था, 25 किलो वजन कम हुआ है। खाने के बाद जो बंदा तीन दफा सूरत कुरैश पढ़ ले, तीन बार सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़, खाने के बाद तीन बार क्या पढ़ना है, अगर याद नहीं है ना आज जल्दी जल्दी याद कर ले, अभी से याद करना शुरू कर दें। आप में से कोई बंदा इतना अनपढ़ है कि अपना नाम नहीं पढ़ सकता, अपना नाम नहीं लिख सकता, तो कोई हर्ज नहीं, कुरान का एक नूर ऐसा है कि कुरान के नूर में नाम अल्लाह पाक दिल में उतार देता है, कुरान का एक अपना नूर है। जो पहली दफा सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़ेगा, एक दफा पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शान उस खाने की जहर से बचाएंगे, खाना बीमारी नहीं बनेगा, दुख नहीं बनेगा, तकलीफ नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई तकलीफ नहीं बनेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आंखें खोल के सुनिएगा, जो उस खाने से ताकत मिलेगी वो इबादत, आमाल और नूर पे खर्च होगी, और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, और उस खाने से जो ताकत मिलेगी उससे इबादत, आमाल और नूर बनेगा उस खाने से, और अगर उस खाने में जहर मिला हुआ है तो जहर भी असर नहीं करेगा, खाना सेहत और शिफा बन जाएगा। और जो दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, दूसरी बार सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, और मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसको वसी दस्तरखान अस्ताफ फरमाएंगे, वसी दस्तरखान, वसी दस्तरखान यानी फिर रिस्क भी अल्लाह वसी करेंगे और दस्तरखान भी वसी कर देंगे। और जो तीसरी और आखिरी दफा सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को ऐसे वसी दस्तरखान अता फरमाएंगे। कितनी नस्लों को? कितने? 7 नस्लों को मेरा रब ऐसे वसी दस्तरखान अता फरमाएगा।